आफ्टर लॉन्ग टायरिंग वर्किंग डे जब बुरी तरह से थक के घर पे आते हैं तो सबसे पहले वही सवाल आता है कि खाने में क्या बनाएं जो हेल्दी हो, टेस्टी हो और क्विक भी हो। ये सारे सवालों का एक ही जवाब मैं लेके आई हूँ। मैं हूँ मेघना, वेलकम टू माई किचन। आज मैं सिखाने वाली हूँ टस्कन सूप, रियल मैक्सिकन स्टाइल। टस्कन सूप बनाने के लिए हमें चाहिए वेजिटेबल स्टॉक, बेक बीन्स, सेलरी, बेजल के पत्ते, कटे हुए गाजर, थोड़े से अनियन, थोड़ी सी शुगर, टमेटो केचप, थोड़ा सा लहसुन, कटे हुए बेल पेपर्स और चाहिए एक सुकीनी। तो शुरू करते हैं हमारा टस्कन सूप। पैन को थोड़ा सा गरम करते हैं और उसमें डालते हैं 1 टीस्पून ऑयल। थोड़ा सा तेल गरम हो जाए उसके बाद हम उसमें डालेंगे गार्लिक और अब हम डालेंगे थोड़े से अनियन। जब तक अनियन और गार्लिक सौते होते हैं तब तक हम काटते हैं जुकीनी। जुकीनी को भी हमको थोड़ा सा छोटा छोटा डाइस में काटना है। सूप है तो बड़े बड़े चंक्स अच्छे नहीं लगते हैं तो छोटे छोटे चंक्स में काटेंगे। अभी हम इसमें ऐड करते हैं कैरेट। कैरेट को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो उसको हम पहले ऐड करेंगे बिफोर अवर जुकीनी एंड बेल पेपर्स और इसको 2 मिनट पकने देंगे। थोड़े से टेंडर हो जाए बस तब तक। जुकीनी कट के तैयार है, ये भी चेक कर लेते हैं। ऑलमोस्ट डन। इसमें डालते हैं बेल पेपर्स और ये गई हमारी जुकीनी। अभी हम डालते हैं थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़े से ब्लैक पेपर्स। आप चाहे तो ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं, पर्सनली मुझे ब्लैक पेपर पसंद है। और ये गई सेलरी हमारी, बेक बीन्स। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें डालते हैं वेजिटेबल स्टॉक। अब ऐड कर देते हैं टमेटो केचप। टमेटो केचप से थोड़ा सा मीठापन भी आ जाता है। सारे टेस्ट एक ही पैन में। इसको हम थोड़ी देर पकने देते हैं एक अच्छा सा बॉईल आने तक। ढक के पकाएंगे, जल्दी पकेगा। आई थिंक हमारा सूप पक के बिल्कुल तैयार है। यस, इट इज रेडी। हम इसमें डालेंगे थोड़े से बेजिल लीव्स। हमारा सूप बन के बिल्कुल तैयार है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा चीज ग्रेट करेंगे और ऊपर से रखेंगे एक बेजिल लीफ। तो तैयार है हमारा मैक्सिकन टस्कन सूप। आप भी खाइए, फैमिली को भी खिलाइए एंड स्टे हेल्दी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ओनली ऑन मेघनाज फूड मैजिक।